हाय गाइस, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। आपने मुझे कई बार ये बोलते हुए सुना होगा कि इमरजेंसी के लिए पैसा लिक्विड फंड्स में डालना चाहिए या ओवरनाइट फंड्स में डालना चाहिए। तो आखिर क्या होते हैं लिक्विड ओवरनाइट फंड्स? होते तो ये म्यूचुअल फंड चाहिए, राइट? तो इन म्यूचुअल फंड्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जो ये इमरजेंसी पर्पज के लिए काम आ सकते हैं? तो आइए समझते हैं। तो लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब वो म्यूचुअल फंड्स जो बॉन्ड या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो इंटरेस्ट देती है, स्टॉक्स में तो बिल्कुल ही नहीं। अब बॉन्ड्स भी तरह तरह के होते हैं। अपने रिस्क विद डेट इन्वेस्टमेंट्स वाले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि डेट में दो प्राइमरी रिस्क होती है। पहली होती है क्रेडिट रिस्क या फिर डिफॉल्ट रिस्क, जिसमें जो भी बॉरोअर है वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वापस ही ना दे। दूसरी होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो थोड़ी समझने में कॉम्प्लेक्स है, बट इन शॉर्ट जितना ज़्यादा बॉन्ड का मैच्योरिटी टाइम उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क और उतनी ज़्यादा बॉन्ड की प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, जस्ट लाइक स्टॉक्स। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आई रिकमेंड कि आप मेरा रिस्क विद डेट इन्वेस्टमेंट वाला एपिसोड जरूर देखें। आई प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो लिक्विड फंड्स वो डेट फंड्स होते हैं जो ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अगले 91 डेज में मैच्योर होने वाले होते हैं। तो इसके कारण लिक्विड फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क काफ़ी कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है। बट लिक्विड फंड्स में डिफॉल्ट या फिर क्रेडिट रिस्क हो सकती है, मतलब जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो बॉरोअर डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि बॉन्ड्स की रेटिंग अच्छी हो, प्रेफरेबली ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स। तो लिक्विड फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है और डिफॉल्ट रिस्क डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर फंड ने किस क्वालिटी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। नॉर्मली लिक्विड फंड्स हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो डिफॉल्ट रिस्क भी कम ही होती है। जहाँ तक बात है ओवरनाइट फंड्स की, ये एक नई कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है जिसमें म्यूचुअल फंड इस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो एक दिन में ही मैच्योर हो जाते हैं। तो जो बॉन्ड एक दिन में मैच्योर होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क तो कुछ बचती ही नहीं है, कुछ टाइम ही नहीं होता इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट होने के लिए। तो ओवरनाइट फंड्स आर इवन सेफर देन लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में भी बाकी डेट फंड से कम रिस्क होती है, बट ओवरनाइट फंड्स में लिक्विड फंड से भी कम रिस्क होती है। और जहाँ तक बात है ओवरनाइट फंड्स की डिफॉल्ट रिस्क की, तो वो भी आप मान लीजिए कि नहीं होती, क्योंकि एक दिन में कोई क्या ही डिफॉल्ट करेगा अपने बॉन्ड पर, इट्स वेरी अनलाइकली टू हैपन। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। लिक्विड फंड्स करंटली 5-6% के बीच का रिटर्न दे रहे हैं, जो FD से थोड़ा ज़्यादा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओवरनाइट फंड्स भी 4.5-5% का रिटर्न दे रहे हैं पर ईयर, तो लिक्विड फंड से थोड़ा सा कम देते हैं। और एक साल पहले तक लिक्विड फंड्स 7% तक का भी रिटर्न दे रहे थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब आपके पास पैसा आइडल पड़ा हो, खाली पड़ा हो, या आपको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा कहीं पार्क करना हो, बट आपको FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए बिना ज़्यादा रिस्क लिए, तो आप लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। टिपिकली हम इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखने की ये है कि अब लिक्विड फंड्स में अगर आप 7 दिन के अंदर पैसा वापस निकालना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पहले ये एग्जिट लोड नहीं लगता था। तो अगर आपको अगले 7 दिन में पैसे की ज़रूरत वापस पड़ सकती है तो आप लिक्विड फंड में पैसा ना डालें। उस केस में आप ओवरनाइट फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, जिसमें आप पैसा आज डालकर कल भी वापस निकाल सकते हैं। बट अनलेस आपका अमाउंट बहुत ही बड़ा हो, लाइक करोड़्स में, आपको ओवरनाइट फंड से एक दिन में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-5% जो रिटर्न मिलता है वो एनुअल रिटर्न होता है, तो एक दिन के लिए वो बहुत ही कम होता है। टिपिकली ओवरनाइट फंड उन कंपनीज के लिए सेंस बनाता है जिन्हें कोई बड़ा अमाउंट 2-3 दिन के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ आप लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा डाल सकते हैं। लिक्विड फंड्स आर वेरी सेफ देन अदर डेट म्यूचुअल फंड्स, बट ओवरनाइट फंड्स आर इवन सेफर देन लिक्विड फंड्स। तो 7 दिन के अंदर अगर आप पैसा वापस निकालना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट फंड्स में पैसा डालें, और 7 दिन के ऊपर अगर आप कुछ 3-4 महीने तक के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। बट ध्यान रहे, लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स फिर भी आपकी बाकी बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इंटरेस्ट गारंटीड नहीं है, रिटर्न्स में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स इमरजेंसी पर्पस के लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। एंड please leave your questions in the comment section. I'll be very happy to answer those questions. And do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.